मैंने यहाँ पर आधे नारियल के वाटी लिए हैं, जिसके अंदर मैंने एक प्याज, एक पूरे अखी लहसुन, एक इंच अदरक और एक टमाटर को अच्छे से भून लिया है और जिसका मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर मैंने 9 अनाज लिए हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स है, देख सकते हैं आप, हरे और ब्राउन कलर के मूंग, चने, छोले, मसूर, चौली इत्यादि। अगर आप सब्जी वाले को कहेंगे तो वो आपको उस तरह का मिक्स बनाकर दे देगा। तो इसे हमें अच्छे से वॉश करना है, वॉश करके हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था, जो लगभग 4 कप है। अब मैं इसके अंदर पिंच भर सोडा ऐड करूँगी। सोडे से अनाज अच्छे से गल जाता है। अगर अनाज गलता नहीं है तो आपके पेट में मरोड़ आ सकते हैं, इसलिए हमें इसे अच्छे से गलाना होता है। तो मैंने इसमें सोडा डाल दिया है, तो अब मैं इसके अंदर अपने अनाजों को डाल दूंगी और इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैं अब पैन गरम कर लूँगी, जिसमें कि मैं ऑयल ऐड करूँगी और उसे हमें अच्छे से गरम करना है। ये उसल का मसाला काफ़ी डिलीशियस है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। यहाँ पर तेल गरम हो गया था तो मैं इसके अंदर करी लीव्स को ऐड कर लिया है, साथ ही मैंने 1.5 चम्मच राई को भी डाल दिया है। राई को तेल में अच्छे से चटकने देना है ताकि उसकी एक अच्छी सी स्मेल बाहर आ जाए और उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आए। यहाँ पर मैंने 2 सूखी हुई लाल मिर्चों को भी डाल दिया है। लाल मिर्चियों को तेल में तड़का देने से उसका स्वाद काफ़ी उठ के आता है। तो यहाँ पर मेरा तड़का भून चुका है तो मैं इसमें एक बड़े ही प्याज को बारीक काट कर डाल दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें प्याज को अच्छे से लाल करना है, अच्छे से भूनना है ताकि इस उसल में काफ़ी अच्छा स्वाद आ सके। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मेरा प्याज अच्छे से सुनहरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अपने पीसे हुए मसालों को ऐड करूंगी। इस मसाले को नारियल के साथ रोस्ट करने की वजह से इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, जो कि हमारे उसल को काफ़ी टेस्टी बनाती है। ये तरीका महाराष्ट्र का काफ़ी पुराना तरीका है, जिससे कि उसल बनाया जाता है और इस तरीके से मसाले महाराष्ट्र में ही बनते हैं, जहाँ पर कोकोनट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मसालों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र का उसल काफ़ी स्वादिष्ट होता है, काफ़ी फेमस होता है। मुंबई की ये सबसे फेमस डिश है, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको उसल पाव, मिसल पाव ज़रूर मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर आएँ तो ट्राई करें। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से डाल दिया है और मैं इसे प्याज के साथ अच्छे से भून रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है, इसलिए हमारे उसल और मिसल का कलर लाल और गोल्डन जैसा दिखता है। यहाँ पर मैंने मसाले डालकर मैंने 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। तो मैं इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, जो कि नॉर्मली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसके अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, ताकि ये काफ़ी अच्छी तीखी सी बने, ये तीखी वाली मिर्चें हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लूँगी। इसके साथ मैं 1/2 चम्मच शुगर को ऐड करूँगी और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो शुगर को स्किप कर सकते हैं, पर उसल का स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, झंझणित होता है, तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है तो मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इसे हमें 1 मिनट के लिए इन मसालों के साथ अच्छे से भूनना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है।
इसे अच्छे से एक मिनट तक भूने ताकि मसालों की महक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से भिगा लिया था। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इमली का पानी ले लिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी। मैंने जिसमें मसाला पीसा था मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें और 1 कप पानी ऐड कर लूँगी क्योंकि उस तरह की ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, क्योंकि हम उसमें गाठिया अलग तरीके से नमकीन फरसान डालकर खाते हैं जो कि बाद में ग्रेवी को सोख कर लेते हैं, इसलिए इसकी ग्रेवी पतली ही रखे। तो इसे अच्छे से मिक्स करके हमें अच्छे से इसे उबालना है। कम से कम हमें इसे 10 मिनट के लिए उबालना है ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए और उसके ऊपर तरी आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से उबल रही है। तो हमें इसे 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से पकाना है। यहाँ पर मेरे चने अच्छे से उबल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से हो गए हैं। आप इसे हाथ में अच्छे से चेक कर ले, ये आराम से मेल्ट हो जाने चाहिए, आराम से दब जाने चाहिए, तो इसका उसल खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। चने खड़े रहेंगे तो उसे खाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी अच्छे से उबल गई है। आप देख सकते हैं कि तरी ऊपर आ चुकी है। तो मैं इसके अंदर अपने अनाज को डाल दूँगी। हमें अपने अनाज को 10 मिनट के लिए इस ग्रेवी के साथ अच्छे से पकाना है। यहाँ पर मेरे अनाज अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इसके अंदर धनिए के पत्तों को काट कर डाल दूँगी ताकि इसमें धनिए की अच्छी एक महक आ जाए और हमारा उसल काफ़ी टेस्टी लगे। तो अब देख सकते हैं इसकी तरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। तो मैं इसके ऊपर कटे हुए प्याज को डाल दूँगी। इसके वजह से ये उसल काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे इसी तरीके से उसल खाना पसंद है क्योंकि गर्माहट के वजह से प्याज थोड़े से पक जाते हैं और फिर भी वो कुरकुरे होते हैं तो वो काफ़ी मीठे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी तरी कितनी अच्छी लग रही है, इसका कलर कितना उठ के आया है। और मैंने आपको काफ़ी आसान तरीका बताया है ये स्ट्रीट स्टाइल उसल बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने आपके लिए उसल सर्व कर लिया है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा गाठिया डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके ऊपर प्याज और नींबू ऐड कर लूँगी जैसे कि हम स्ट्रीट पे खाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है और आप लोगों के सपोर्ट के वजह से मैं आज आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी ला पाती हूँ। तो आप भी मेरे सपोर्ट इसी तरीके से करते रहिएगा। आप सभी व्यूवर्स को मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरे इतना सपोर्ट किया है। इसी तरीके से मेरे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। तो कल मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।